1 करोड़ का प्लॉट और वो भी गायब हो गया। 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, शायद कुछ लोगों के लिए कुछ भी ना हो लेकिन मिडिल क्लास फैमिली आम पर्सन के लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और एक बंदे की पूरी इन्वेस्टमेंट लगी हुई हो और उसका वो प्लॉट गायब हो जाए, वो जीते जी मर जाता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। ये अलॉटमेंट लेटर दिया गया कि आप जाएं, मैं 1 करोड़ रुपए दे चुका हूँ। हलीम खान की ये सोसाइटी है पार्क व्यू, और मुझे यहाँ के ही बंदों ने अदनान और तौकीर राय और वकास, उन्होंने कहा कि जनाब ओवरसीज में आपका प्लाट है ही कोई नहीं, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हम आपके मौकिफ की तारीफ करते हैं। इसके बाद मुझे ये देखे, 1 करोड़ रुपए मैंने दिए और मुझे ये प्लाट दिखाने के लिए गए तो कहते प्लाट है बनियो, खुदाया मैं कहा जाऊ, ओ खुदाया मैं कहा जाऊ, या अल्लाह ये क्या हो रहा है मेरे साथ, या अल्लाह। अकॉर्डिंग टू इन भाई जान के इन्होंने प्लॉट लिया पार्क व्यू सिटी में, इन्होंने अपनी ओवरसीज ब्लॉक में इन्वेस्ट की और 1 करोड़ इन्होंने पूरा दे भी दिया। और आज जब ये आते हैं और इनको प्लॉट के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता लगता है कि इनका प्लॉट है ही नहीं। और वो बंदा आप देख सकते हैं कि खुदा से दुआएं मांग रहा है, आर्मी चीफ से वो अपील कर रहा है कि उसको इंसाफ दिया जाए। किस तरह एक बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई एक जगह लगाता है और उसको पता चलता है कि वो पैसे उसके गायब हो गए हैं, तो वो आप सोच सकते हैं उस पर कैसी बीतरी होगी। अभी पार्क व्यू सिटी की तरफ से कोई मौकफ़ नहीं आया अकॉर्डिंग टू इनके भाई, इन भाई जान के इनसे प्लॉट इनका 1 करोड़ समझ लेके डूब गया, और वो उसी बारे में उसके बिल्डिंग के बाहर बात कर रहे हैं और गार्ड उनको पीछे पीछे कर रहे हैं। लेकिन आजकल है सोशल मीडिया का दौर तो बात छुपी नहीं जा सकती। ये चीज़ अरसे दराज से हो जा रही है, लोगों के प्लॉट ले लेना, माफिया ग्रुप आता है प्लॉट पर कब्ज़ा कर लेता है, ये चीज़ अरसे दराज से चली आ रही है। इस पर पाकिस्तान अभी तक पूरी तरह काबू नहीं पा सकी और मुझे नहीं लगता आइंदा दिनों में भी इतनी जल्दी काबू पा सकेगी, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले मैं सुन रहा था ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कि इस्लामाबाद में है, शोएब अख्तर बहुत बड़ा क्रिकेटर वो भी इस प्रोजेक्ट को लिजिट समझता है और लोगों को कह रहा है इसमें इन्वेस्ट करो। इन्होंने थोड़ी और जगह ले लिया, आगे पीछे जो इनके जगह थी ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में उन्होंने वो भी बाय कर लिया। अब कुछ लोग बता रहे थे जो जगह इन्होंने बाय की हैं वो भी एक सोसाइटी थी और उन लोगों ने आगे लोगों को प्लाट दिए हुए थे, लेकिन उन लोगों ने अब ये प्रॉपर्टी ब्लू वर्ल्ड सिटी को दे दिया है तो अब उन लोगों का क्या होगा। और अकॉर्डिंग टू यूट्यूब मैं एक बंदे की क्लिप देख रहा था, वो बता रहा था कि अभी उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी पूरी लैंड जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को दे दिया, लेकिन फिर भी उनके ऑफिसेज अभी भी ओपन है और लोगों को इवन के 2-2 लाख के प्लाट दे रहे हैं। मतलब कि फ्रॉड की इंतहा हो गया। अब ओवरसीज़ बंदा जो बंदा इस मुल्क से बाहर है वो मेहनत करके यही करता है कि चलो एक प्लॉट ले लूँ, वहाँ पे अपना घर तामीर कर लूँगा तो आगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और जब वो पाकिस्तान है और उसके हाथ में वो चीज़ भी ना हो तो फिर वो कहाँ जाए। इसलिए हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि प्लीज़ डू लुक इनटू इट, और अगर ये भाई साहब सच कह रहे हैं तो प्लीज़ इनका हक इन्हें दिया जाए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इनकी आवाज़ सुन सकें, और देखते हैं पार्क व्यू सिटी इस बारे में क्या कहते हैं।